सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जनपद दौरा 22 दिसंबर को प्रस्तावित होने के बाद कार्यक्रम स्थल को दुरुस्त करने के लिए आला अधिकारी पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। रॉबर्ट्सगंज के हाइजल मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर डीएम, सीडीओ, एसपी के अलावा कमिश्नर और डीआईजी ने भी कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। बता दें कि सीएम करीब 500 करोड़ रुपए लागत से 51 परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण कर सकते हैं, जिसमें 350 करोड़ का शिलान्यास, 167 करोड़ रुपए का लोकार्पण शामिल है। इससे पहले डीएम कमिश्नर ने रॉबर्ट्सगंज के हाइजल मैदान स्थित कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया, जहां मातृहतों को उचित दिशा निर्देश दिए गए और समय रहते कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कहा गया। विध्यांचल मंडल मिर्जापुर कमिश्नर और डीआईजी ने हेलीपैड का निरीक्षण किया। बता दें कि जनपद सोनभद्र पहुंच रही जन विकास यात्रा के माध्यम से सरकार जनता को विकास के कार्यों को गिना ही रही है, साथ ही साथ बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं की सौगात भी दे रही है। इसी कड़ी में कल का कार्यक्रम प्रस्तावित है। एक तरफ जिला प्रशासन सीएम विजिट को लेकर बेहद सजग हैं और सतर्क हैं, तो वहीं भाजपा नेता इसे एक अद्भुत रैली मान रहे हैं। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मवीर तिवारी का कहना है कि जनसभा में लगभग 50,000 आम जनता और कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। डीएम ने बताया कि सीएम लगभग 500 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे, जिसमें 350 करोड़ के लगभग शिलान्यास, 167 करोड़ों का लोकार्पण करेंगे। तैयारी को लेकर बताया कि शाम तक कार्य को पूरा कर लिया जाएगा और सीएम की सुरक्षा को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल सीएम का प्रोग्राम है, कल तक कितनी उम्मीद रहेगी यहाँ भीड़ की? ये जन विश्वास यात्रा है जो गाजीपुर से चली है और चंदौली होते हुए तिवारीपुर में उसको हम लोग को रिसीव करना है, फिर बेलखुरी में स्वागत है और फिर उसके बाद यहाँ बड़ी सभा है। इस बड़ी सभा में माननीय इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो रहा है और जनता में उत्साह है, लोगों में उत्साह है उनको सुनने के लिए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं और 50,000 से कम लोग नहीं आने वाले हैं इस पूरे जन विश्वास यात्रा में। रथ यात्रा के साथ और कौन होंगे मंत्री या नेता, बड़े नेता? यात्रा के साथ लगभग 100 लोग चल रहे हैं और लगातार वो उस यात्रा में हैं और सब लोग उस यात्रा में रहेंगे। चेहरा बताइए जो चर्चित हो। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आगे किसी की चर्चा कहाँ हो पा रही है? इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनकी लोकप्रियता पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो गई है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं।